Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावने हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेनत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्ण शरण। शुद्ध जनता और शुद्ध समाज में उपस्थित हुए हुए इतने सुंदर प्रकृति की गोद में बैठकर शरण कर रहे गए। आह श्री गीता जी का अंतिम उपसंहार रूप में मोक्ष संन्यास योग 18वां है, ये रोज ही आपके कानों को स्पर्श कर रहा है, मेरे मुख को स्पर्श कर रहा है मोक्ष। तो हम अपने वैदिक धर्म के अनुसार समझते रहे कि मोक्ष का अर्थ है अंतःकरण के संस्कारों का सदा के लिए धुल जाना। जब भी शब्द मोक्ष आए तो समझिएगा, जैसे कहती है मैं क्या कपड़े धो रही हूँ, मतलब कपड़े में पड़ी हुई मैं छुड़ा रही हूँ। कपड़े धोने का मतलब तो आप कहते मैं छुड़ा होता है, पर प्रचलित शब्द ये चल गया कपड़े धोना, अर्थात कपड़े में छुपी हुई मैल छुड़ाना। अब मैं मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ तो इसका अर्थ समझना अंदर के कपड़े में सूक्ष्म शरीर में पड़े हुए संस्कारों को धोना। ये धुल जाता है साबन और पानी से, अंतःकरण धुलता है भगवान की वाणी से। नहीं भूला, नहीं भूला, कभी नहीं भूला। तन और तन पे पहने हुए वस्त्र पानी से निर्मल हो जाते हैं, लेकिन अंदर का सूक्ष्म शरीर यानी मन और बुद्धि भगवान की वाणी से निर्मल होते हैं। तन धो लो पानी से और मन धो लो वाणी से। अपने हमेशा ही मुक्त रोज चल निकलेगा। मुक्त कौन होगा जिसके संस्कार मिट गए? संस्कार किसके मिटेंगे? जो भगवान के अनुसार अपने जीवन को गुजारगा। ये जो प्रसंग चलाया गया मेरे और आपके लिए बहुत अच्छा, खासकर आप सब देवियों और सज्जनों के लिए। आप व्यस्त आश्रम में संसार में हमारे ऐसे एक तरफ हो गए ना, भगोड़े बन के संसार को छोड़ छुड़ा के आ गए। अब आप लोगों ने जो है इसको पकड़ लेना है, और ऐसा आसान कहीं भी कोई ऐसी कठिनाई आए तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। मुझसे बार बार इंक्वायरी कीजिए ये बात कैसे बनेगी, वो बात कैसी होगी, क्योंकि गीता तो हमारे लिए सर्वस्व है, जो हमें मुक्ति दिलाए, भगवान के दिव्य दर्शन कराए, अपना कल्याण करा दे, मां खुशी जीने की कला सिखा दे, इससे बढ़कर क्या कोई शास्त्र हो सकता है। ये तो हमारे गुरुओं का भी गुरु है, गीता को कहा गया गुरुओं के भी महागुरु। आहा ये तो मुर्शिदों के भी महामुर्शिद है। आइएगा प्रसंग का चला हुआ है, जो हजूर चला रहे मरा जी कह रहे थे किस तरह कर्म करे, तो मेरी और आपका प्रधान नहीं है, बड़ी सुंदर बात, किस तरह कर्म करे। हाँ मुक्त हो जाए, चल सीधी बात, कर्म तो हम छोड़ नहीं सकते, कुछ आपकी जिम्मेवारी भी नजर आती है। कुछ इंसान का जन्म जन्मांतरों से स्वभाव भी ऐसा कि वो कर्म किए में रह नहीं सकता, कोई भी छल्ला नहीं बैठ सकता। कोई अगर मेरे जैसा भी एकांत में बैठेगा, स्वाध्याय करेगा, जाप करेगा, ध्यान लगाएगा, तीन तो कार्य मेरे मुख्य है, स्वाध्याय जाप और ध्यान, तो भी निठल्ला तो ना हुआ। आंतरिक कार्य करता रहा, आप बाह्य कार्य करते हैं, मैं आंतरिक करता रहता हूँ, कभी भगवान की वाणी का पाठ कर लिया, कभी स्वाध्याय कर लिया, कभी जाप में बैठ गए, अपना ओ समय भगवान का अर्पण कर दिया। इस तरह कोई भी, चाहे कोई होल टाइम की गोटी हो, चाहे पावर टाइम की गोटी हो, जो भी कोई है कर्म किए बिना नहीं रहेगा। कर्म तो उसे भगवान उससे करवा ही देंगे। स्पष्ट कहती है जो है अमर छोड़ दे रही हो तुझको तमाम, तो मुश्किल है तेरी बदल का क्या, बल्कि चार कदम बढ़ के बोलती है
सीधा ही बनाया है जो तेरी फिर आरम कराएगी फिर वही तुझसे कर लगा ले तेरे तू कह मैं करूंगा नहीं ये हुआ ही नहीं सकता ये तो तुझे करना ही पड़ेगा तुझे लाख रोक के फरेबे ख्याल करेगा तू लाचार कुल दिखेगा करना ही पड़ेगा संस्कार नहीं होंगे तो आइए कर्म करते करते मुक्ति तो बड़ी मौत की बात कर्म करते करते मुक्ति बड़ी मौत की बात बड़ी मौत की बात एक सुप्रीम थी डीसी साहब के ऑफिस में लगे हुए तो वो एक बाजार से गुजरते थे ठीक तो मैं बड़े छोटे छोटे दृष्टांत दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा समझा दूं और मेरे भगवान मेरे पर बड़े खुश हो जाए कि बड़ी छोटी की मुश्किलें बातें तुम्हें आसान करके समझा दी मैं इसी बात की बड़ा शौक रखता हूँ तो मेरे प्रभु मेरे पर बहुत प्रसन्न हो क्योंकि ये अध्याय बड़ा मुश्किल माना जाता है और बड़ा चोटी का लाभकारी मुश्किल भी है और अत्यंत लाभकारी क्योंकि उनको मुक्ति दिला दे इसे भर के क्या वैसे मुक्ति का इशारा भगवान ने दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में किया दमे वापसी भी ये ज्ञान तो हासिल से ब्रह्म निर्वाण मेरे साथ श्यामल बच्चे जरा फिर आपकी आंखें नीचे करके चुकी बोलती है मेरे साथ बोलो बेटे चलिए घंटे में एक बार मेरे पास आती है भगवान की वाणी सुन बिल्कुल मेरे पास एक मिनट ही ना बोला करो मन धोखा नहीं जाता बिल्कुल मेरे साथ कई ऐसी बातें बता रहा हूँ जो आपके मन में जरूर बैठ जाएंगे 18वें अध्याय में भगवान विशेष करके जीवन पे दया करते हैं 18वां अध्याय तो उनकी शेष करते बड़ी दया होती है हजूर की क्योंकि गीता जी का ये सार है सारे गीता जी का विभिन्न भाव है तो आइएगा तो मैं गुजारिश किया चाहता हूँ तो वो गुजरा कर सुप्रीम डी सी साहब के हाँ तो दुकानदार ने कहा महाराज जी हाँ आप तो गुजरते तो हैं हाँ अगर आप एक घंटा टाइप कर दिया करेंगे हमारे पास टाइप राइटर भी है और ये कॉरेस्पॉन्डेंस करनी होती है तो बड़ी मेहरबानी हम आपको महीने के 400 रुपये दे दिया करेंगे अच्छा कितने लेटर आते हैं ये 8-10 लेटर होती है मामूली बात चलो वो 5 बजे छुट्टी करता 5:15 दुकान पर पहुंच जाता अंदर कमरा बना हुआ था पंखे लगे हुए थे शानदार और वो कूलर चला हुआ है बहुत अच्छे जो होम कूलर ठंडी हवा आ रही है लेता कागज फटाफट 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 देखता मैं 8-10 कागज तो 1.25 घंटे में 400 रुपये बन गया मुफ्त मुफ्त यानी घर तो उस रास्ते से जाने तक जान में क्या कह रहा हूँ घर तो उस रास्ते से जाने तक 1.25 घंटा जरा दुकान पे और लगा दिया 400 रुपया उस महीने का और बन गया पहले उनको मिलता 3200 रुपया 400 रुपया और 3700 बन गया मुफ्त मुफ्ती इसी तरह आपकी कसम पिता मेरे हाथ में आए भगवान मेरे सरमुख है मुफ्त मुफ्ती भगवान आपको मुक्ति दे रहे मुफ्त मुफ्ती वहां से गुजरता था तो जरा 1.25 घंटा इधर लगा दे इसी तरह आप कर्म तो करेंगे हाँ जरा मुफ्त मुफ्ती मुक्ति जरा इस भावना से करो जिस भावना से भगवान करेंगे जरा वो स्टूडेंट साहब जरा 1.25 घंटे के लिए उनकी दुकान पे जरा अंदर बैठ के उनके कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर जो है कर दे जो भी उनका डाक आइए जरा उसको करवा दे टाइप टू कर दे जवाब देना जरा बना दे और बस 400 रुपया कर दो इस तरह कर्म को छुने वो तो उन्हीं घर से जाने उनको स्टूडेंट वही समझ रहे कर्म को हम कर ही लेंगे लेकिन जरा इस तरीके से भगवान कहते जरा इस तरीके से कर ले मुक्ति ले ले साहब अब हमारे 8-10 लेटर निकाल दिया करें 400 रुपया पर मंथ अच्छा ये तो बहुत ज्यादा 8-10 लेटर रोज और वही पौड़े करते हुए इधर कर्म तो हम सवेरे से शाम तक करेंगे भगवान कहते जरा इस तरीके से कर ले मुफ्त मुफ्ती मुक्ति मुफ्त मुफ्ती आहा आहा लिबरेशन फ्री लिबरेशन कोई नेच नहीं सिर्फ आपको धन खर्च करना पड़ा हो जो जाप करना पड़ा हो ये एक ही श्लोक है सारी गीता के अंदर जो कहता मुफ्त मुफ्ती गीता मुफ्त मुफ्ती मुक्ति मुफ्त मुफ्ती जो है मुक्ति आह 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 बिल्कुल मुक्त मुक्ति कोई भी नहीं है फ्री ऑफ चार्ज लिबरेशन फ्री ऑफ चार्ज ये इस श्लोक के आगे लिख लो अंग्रेजी में लिबरेशन फ्री ऑफ आज मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं ताकि आप भली प्रकार समझ जाए लिबरेशन फ्री ऑफ चार्ज ऐसे में बोलूंगा तो शायद थकान और दिल की हैरान होंगे कि ये क्या प्रचार कर रहा है लिबरेशन फ्री ऑफ चार्ज कोई चार्ज नहीं देना पड़ा कोई आप कीमत नहीं देनी पड़ेगी ऐसे ही मुफ्त मुक्ति अमूल्य बिना मूल्य के ही आपको मिल रही है मुक्ति कैसे कोई रंग लगना वो क्या करता है वो जरा ना फटकड़ी तो रंग भी चोखा हो हाँ लगे ना फटकड़ी तो रंग भी चोखा हो कुछ भी खर्च नहीं होना अपनी ओर से सिर्फ कर्म करने में फीलिंग एंड भावना बदल दे पहले कर्म करके हम सोचते थे कर्म करने से सोचते थे कर्म करते बाद संकल्प कर करते थे ध्यान देना मिठाई तरह भाव देगी और समझो कर्म करने से पहले कर्म करने में कर्म करने के पश्चात सोचते थे कर तो दिया क्या बनेगा अब क्या होगा अब एकदम सोच रहे भगवान ने मुझे बुद्धि और मन दिए कर्म हमेशा बुद्धि और मन वर्तमान से होती है ऊपर बुद्धि सेंटर में मन और बार बार है तन इन तीनों का सहारा लेके हम कर्म करती है कर्म कर दिया यथा मति जिसे शक्ति जितनी भगवान ने मति मैंने बुद्धि दी है हाँ और जितनी भगवान ने हम लोगों को मानसिक और शारीरिक शक्ति दी है दो ही शब्द की माति भाषा बहुत अच्छी है यथा मति यथा शक्ति
इन दोनों का प्रयोग करते हुए हम लोग जुट गए, लग गए। लगने के बाद ले मेरे मारे मेरे इष्टदेव, आप जानो आपका कार्य बच्चे आज्ञाकारिणी बेटियां, आज्ञाकारिणी सुपुत्र, क्या सुपुत्र महीने के बाद अपने सारा वेतन माँ जी की झोली में, पिताजी की झोली में। पिताजी ये देखिए मेरे 25,000 बेटी आते अम्मा चाटोगी माँ की तरह चूमोगी नहीं है मेरे पुत्र और पुत्र वधु, पुत्र और पुत्र वधु दोनों कितने अच्छी है, मेरी झोली आके भर देती है, झोली आके भर दी। ल अम्मा आप कुछ ना, अम्मा मैं हमें ना करूँ, अपनी कपड़े सिला देती हो, रोटी देती हो, साथ में रोटी, अब हम ना में चाह तो आदत तो है नहीं कि वहाँ चाह नहीं कुछ ना, हमें कुछ नहीं ये आप एक कपड़ा लोग किया आप छुट्टी। इसके बाद वो मौज है, पकी पकाई रोटी, धुले धुलाए कपड़े, प्रेस हुए कपड़े और जो बूट बूट है वो सब जो आप पॉलिश हुई पड़ी है और पर्स में नोट माँ खुद रख देती है, जो बहू को जरूरत है वो माँ पूरी कर रही है, जो पुत्र की आवश्यकताएं है वो माँ पूरी कर रही है, तो वो दोनों आपस में खुश पसंद, कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। माँ माँ कब आगे तो सदा सुखी रहेंगे, माँ माँ कब आगे तो सदा सुखी रब दिशा ना माँ कहाँगे तो ना दुख पाओगे। अब दोनों बड़े अच्छी है, अपनी माँ माँ कहीं जा रहे हैं, अम्मा जी माता जी माता जी माता जी अब सुखी रहे, अपनी मौज बाहर के दिन काटे जा रहे हैं बहुत अच्छे। बस इसी तरह जैसे वो एक अपना सारा महीने भर का परिश्रम वेतन रूप में माँ की झोली में डाल देती है, इसी तरह हम लोग भी अपना कर्म जोर मार के किया और प्रभु जो अपने मुख से कह रही है मैं सारे जहां का हूँ माता पिता मैं दादा हूँ सबका मैं हूँ आशा, उनकी झोली में डाल दिया, महाराज जी की झोली में रख लिया, ले मेरे परम पिता जितना मेरा बस चला लो बस, नाइदर मोर नॉर लेस, बस जैसे वो पुत्र पुत्र वधु जो आज्ञाकारी आज्ञाकारी है सारा वेतन माँ की झोली में डालते हैं, ले अम्मा अब तू जाते रहे जो जहां मर्जी खर्च करे, दान दे खर्च कर रोके जो मर्जी, हमने तो दो छुटके खाने हैं कपड़े पहन के जाने आगे तू जाते रहे, रोम रोम से आशीर्वाद देगी माँ की कि ऐसी अच्छी जोड़ी रब करे घर घर हो, न मुझसे कुछ मांगती है मैं देती रह जाती हूँ चाह, माँ में चाह पीते नहीं और कोई आदत है नहीं, जो तू दे देती है मैं टिफिन कैरियर के अंदर हम इसको प्रसाद समझते हैं कि ये भगवान का अमृत है और हमें कोई है ही नहीं, आहा तू तो पहले कसर पड़ी छोटी इतना टिफिन भाग देती है हमें बहुत काफी है बहुत छुट्टी। ये हो गया कर्म करने के बाद, जीवो आपको बार बार कह रहा हूं भगवान की प्रेरणा से मुक्ति मुक्त होती, लिबरेशन फ्री ऑफ चार्ज, सो लिबरेटेड फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ चार्ज मुफ्त में, कोई कीमत ही देनी पड़ी, बड़ा कमाल का प्रसंग है, कर्म कर ही लेंगे तो आगे क्या मेरे भगवान क्या करना है, संग्रहितम उसमें असक्ति ना हो, उसमें संकल्प विकल्प ना हो, काम किया उसके बारे में सोचना नहीं, सोचना भगवान के बारे में है, सोचना अपने प्रभु के बारे में है, काम बदलिया से नहीं किया, पूरी शक्ति से किया और पूरी बुद्धि से किया, पूरे मन से किया, बस आगे भगवान जाने, पूरे मन से हिंदी बोलते हैं मनोयोग पूर्वक, मनोयोग के साथ किया मैंने ये कार्य, मनोयोग के साथ किया, दचित्त होकर किया, आहा तत्परता पूर्वक किया, तत्परता पूर्वक तत्पर होकर किया, मौज बाहर और क्या चाहिए, बस अब अगर आप सोचेंगे फिर भगवान की नजर से गिर जाएंगे, फिर आप प्रभु की नजर नहीं होते, भगवान तब मुक्ति देती है जब जी उस पर सोचे, कर दिया ले मेरे परम पिता, उसके बाद हरे कृष्ण ध्वनि अपने अंदर से निकलती है, काम के बारे में नहीं सोचना, सोचिए मेरा रब वो सोता, हमें पैसे महीने की वेतन दृष्टान देखना, पुत्र पुत्र मधु ने दोनों झोली में डाल दिया अम्मा के, अब कोई छोड़ते हमने इतना कमाया हम इतना सारा मर जाते हैं सारा महीना कमा के, और माँ की आजकल की धीरे पुत्र जो जहर बदलते हैं, जब दोनों बैठेंगे पुत्र और पुत्र मधु या दोनों श्रीमान श्रीमती जहर बदलेंगे वातावरण बिल्कुल खराब कर देंगे, लेकिन ये तो दोनों सुपुत्र है, ये तो पुत्र श्रवण है और वो भी बिल्कुल ही उनका प्रभाव पड़ा हुआ बहुत नेक है, दोनों अच्छे हैं, कुछ ही सोचना खुश प्रसन्न गदगद हमारी माँ है, इसे कभी ऐसा उतार सकती है, इन्होंने पला पलाया मुझे अपना पुत्र दे दिया, पला पलाया पुत्र इनके समाज में कभी ऐसा उतार सकती है, और इतनी नीक है इतनी अच्छी है, भगवान के प्यारे गए इनके साथ लग के मैं भी अपना जन्म सफर कर रही हूँ, वाह वाह श्रीमान जी आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, सब कुछ मेरी अच्छी इतने आप अच्छी है, हाँ आप तो काट है मैं तो लोहा हूँ, आपके संग मैं भी करती जा रही हूँ, कभी कभी ऐसी पंपिंग कर दिए क्या लगता है, आदमी बड़ी जल्दी खुश हो जाता है, मैं तो लोहा थी बस आपके संग लग गई मैं तरती जा रही हूँ, काठ के संग लोहा भी तर करता है, और वो तो सच्चे दिल से कह रही है, बस बड़े प्रसन्न बड़े खुश
बड़े जैसे वो नहीं चिंतन करते हाँ तनख्वाह के बारे में, आपकी कसम हम भी कर्म करके कर्म के बारे में चिंता न करें। किसका चिंतन जैसे वो माँ का चिंतन, माँ ने बड़ी कृपा की, माँ पकाती खाती सब कुछ हमें देती है, हमें सेवा करती है, कुत्ते धो देती है, ब्रश कर देती है, सारा कुछ हमारे चाहता है, माँ का बड़ा भारी एहसान। इस तरह हम भी माँ भगवान का एहसान मानते हैं, जो हमारे सच्चे परम पिता है, हमारी माँ है, कि प्रभु कितनी कृपा है, सुंदर शरीर दिया, श्रद्धालु और भक्ति से भरा हुआ परिवार दिया, इतनी अच्छी सेहत दी, फिर उस पर तुरा ये घर में कोई कमी नहीं है, सब कुछ परम आवश्यकताएं हमारे घर में प्रचुर मात्रा में रखती है, फिर आपके लिए कोई अपने चरणों का दास भेजा, फिर गीता जी दी समझाने के लिए विशेष बुद्धि दी, वाह और तरने के समान पैदा कर दिए, हम तो कभी भी अपने भगवान के उपकारों को न भूल पाएंगे और न इनका बदला चुका। हमारे स्थिति हमारे की क्षमता एवं समर्थता भी नहीं है कि हम भगवान के उपकारों को देवी चरणों उतार पाए, सोचा यूं बाकी कर्म करके, कर्म के बारे में सोचना मेरे से पूरी समझ लीजिएगा, जितना मेरे गुरुदेव ने मेरे पर कृपा की है मेरे से पूरा समझ लो, कर्म के बारे में नहीं सोचना, कर्म करवाने वाले के बारे में सोचना, जिसने हमें ये कर्म करने का सु अवसर प्रदान किया है उन भगवान के लिए, एक नुक्ता पकड़ लीजिएगा जी मुक्त हो गए, अगर इतना नुक्ता पकड़ लिया कि मैंने कर्म के बारे में नहीं सोचना, मैंने कर्म करवाने वाले के विषय में सोचना, पकड़ लो ना, शायद जीवन में ऐसा मौका मिले ज्ञान मिले, क्योंकि भगवान भी गीता में कह रहे हैं ये मौका हो शाजो नादर नसीब, बहुत कम ये अवसर मिला करते हैं, गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी पानी में, ये मौके कब मिला करते हैं बेटी जिंदगानी में, बहुत कम मिला करते हैं सजनू ऐसे मौके, ऐसी क्रिएटिव एटमोस्फियर डिस्ट्रक्टिव तो मिलता रहता है, ऐसे रचनात्मक अवसर मिलने, ये तो भगवान की विशेष कृपा है, बस सोचेंगे भगवान के बारे में, ध्यान देना सोचेंगे भगवान के बारे में, कार्य कर दिया लेकिन भगवान का उपकार ना मिले तो फिर जीव खत्म, बस क्या हुआ संस्कार, संस्कार पड़ेंगे जब कर्म के बारे में सोचना ही नहीं, संकल्प नहीं कर, विकल्प नहीं करना, ना लाभ हानि के बारे में सोचना है, न सुख दुख के बारे में सोचना है, ना अनुकूल प्रतिकूल यानी कैसा कालकर फेवरेबल अनफेवर के बारे में सोचना है कोई बेड़ा पार, ऐसा कसम का हमारे वैदिक धर्म का पॉइंट है, बड़े ऐसे जीव के संस्कार मिट जाती है, ऐसे जीवों के संस्कार पड़ते क्यों नहीं, इसमें जरा त्याग भावना जरूर रखनी पड़ती है, स्वार्थ भावना आग लगानी पड़ती है, तो स्वार्थ जाएगा तो परमार्थ आएगा, कई बार कह चुका हूं स्वार्थ समाप्त परमार्थ प्राप्त, या संसार समाप्त संसार नाम ही स्वार्थ का, एक ही बात है संसार समाप्त या स्वार्थ समाप्त परमार्थ प्राप्त, परमार्थ की प्राप्ति होगी स्वार्थ को हम छोड़ती है, कि हमारे स्वार्थ छोड़ने से सैकड़ों का लाभ होता है, और मेरी वाणी पर विश्वास करना सैकड़ों के लाभ में सैकड़ों में छिपे हुए भगवान बड़े खुश होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। सवेरे कुछ व्यक्ति लुधियाना से मिली, लुधियाना से या गोविंदगढ़ से कुछ, मैं या खड़ा था कुछ आए मिलने के लिए, कुछ अपनी फैक्ट्री के बारे में कुछ जानकारी कर रहे थे, समझा रहा था मैं, कुछ बच्चे भी खड़े थे, देखो जरा अस्तर अफसर की बात, स्कूल के कुछ बहन भाई सगे बहन भाई थे, कुछ आकर नमस्कार किया, बाबा आज हमने ना फीसें देनी है, हमारे पास तो फीसें कोई नहीं मेरे दादा, वाह मैं तो उनका दादा हूं ना, चाहे मेरी रखता, बाबा आज हमने फीसें देनी है, आहा तो हमें फीस दे दे, इतने बोल बाबा जी, बाबा मेरे पास है, फटाफट अपना पटवा निकाल फूल करके और निकाल के बच्चे को मांग रहे थे दो तीन चार पे 10 रुपए निकाले बच्चे को भाग ले चले जा, कागे के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन गोटी, भाई तेरी बड़ी नेक कमाई थी, मैं एक सेकंड सोच ही रहा था और भगवान ने पहले प्रबंध कर तेरी कमाई नेक कर सकनी थी, बख्श नहीं कर देते भगवान जी है, तो मैं तुझे तो पूछने आया था बरकत कैसे पड़े, मैं कले पड़ गए, अगर अब भी नहीं बरकत डालता तो आपका तख्त हिल गया, टमाटर रखे गए उनके गालों में, ये भी कब बच्चे मांग रही है उससे जो रब का प्यार है, बाबा हमें कोई दीदी आज हमने फीस दे दी है, और भगवान साथ मिला रही है, ये आप भगवान कितने खुश होंगे, सरकार एक सेकंड निकाल फटाफट बटवा निकाल अंदर से निकाल निकल के आप हम भले कर्म करती रहे परमात्मा बड़े खुश हो जाते, मेरे पर यकीन जानो ना, मेरे पर श्रद्धा करोगे तो और कहां करोगे, आहा आहा आहा, कहा था अपने को रब का प्यारा बनाना हो तो गुण चाहिए, एक मुझसे मेरे पर बड़ी रास की बातें हैं, मुझसे पकड़ती अगर प्रसंग के अनुसार अपने आप निकलती जाती है अंदर, जैसे सेवियां निकलती है ना सेवी का मशीन में से, सत्संग के टाइम मेरे में से रास की बातें सेवियों की तरह निकलती जाती है,
पकड़ते गए करो, पकड़ते करो, अपने मन के बटुए में रखते करो। तो अपने को भगवान का प्यारा बनाने के लिए गुण चाहिए, हाँ, और दूसरे से फायदा उठाने के लिए शरबत। पुत्र अपने को भगत बनाने के लिए हाँ क्या चाहिए, गुण चाहिए, और दूसरे भगत से लाभ उठाने के लिए क्या चाहिए, बड़े रास की बात। किसी भगत महात्मा संत से हाँ आपने लाभ उठाना है तो क्या चाहिए, श्रद्धा। और अपने को अगर संत महात्मा बनाना है तो क्या चाहिए, गुण चाहिए। अगर महात्मा संत की तरह अपने को बनाना है तो क्या चाहिए, गुण चाहिए। अगर किसी संत महात्मा दरवेश से लाभ उठाना है तो क्या चाहिए, श्रद्धा चाहिए। श्रद्धावान लगते क्या, बड़े राज की बात, बड़े राज की बात। शरीफ ने राज की बात बताई, आप सबको भी इस क्लास को भी बता दू, क्या सात का बहुवचन क्या होता है, जो सवेरे क्लास से चुप रहे, सवेरे सब मेरे बच्ची बेटी चुप रहे, सात इसका बहुवचन यानी जमा यानी पूर्ण क्या होता है, पापा मर गए पढ़ पढ़ के ही तो बड़े पूर्ण सत का बहुवचन सिर कहता है, सत होता है और क्या होता है, तेरी माँ होती है, सत होता है। सिर सारे ये कह रहे थे कि सत का बहुवचन सत, आपको नहीं पता, मैं बता कर लो, मेरे कोई नहीं बता सकेगा, सिर चुप है, सत का बहुवचन आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, लेकिन संस्कृत का व्याकरण इतना चोटी का है, पाणिनि का व्याकरण बड़े सुंदर, पाणिनि का व्याकरण बहुत, एक बार तो रब का तख्त थे, तो पाणिनि की बड़ी तपस्वी थे, बड़े ही भारी तपस्वी रब के अपने अंदर रखते थे, पाणिनि व्याकरण बनाने वाले, संस्कृत के व्याकरण बनाने वाले में नंबर वन आता है पाणिनि जी, अब उनसे रब लिखवा रहा है सात का बहुवचन, एक बार तो हमारे बुद्धि हिल जाती, सात का बहुवचन क्या होगा, सात का बहुवचन, और सात कहते किसको है, परमात्मा को, सात वो होता है जो हमेशा रहे, कल भी रहे, आज भी रहे और परसों भी, इन तीनों में समय में कोई अंतर नहीं, सत बोलती है, गुणों का घर जिसमें हो वो सत है, तो गुरु घर तो भगवान है, गुरु के घर तो भगवान है, जब भगवान जी तेरह अध्याय में कहा है, दसवें अध्याय में कहा, घर जानदारों में जो है सफात है, उन सबका मंबा मेरी पाकिस्तान, अगर कहीं भी गुण नजर आती है तो उन गुणों का घर तो मुझे समझना, मैं उनको अधिकारी समझ के गुरु में प्रवेश किए हैं, हाँ आप भगवान गुरु के आधार है, घर है, आलेख है, बिल्कुल ठीक, तो आप उनके गुणों की बड़े गौर के, कितनी दूर की सूझबूझ है, उनके गुणों की श्वाएं कहां पड़ती है, सूरज की श्वाएं सारे ब्रह्मांड पे पड़ती है, जब सूर्य देवता जी उदय होते हैं तो उनकी श्वाएं सब ब्रह्मांड पे, तो भगवान के गुणों की श्वाएं किसके ऊपर पड़ती है, हाँ जो सात का बहुवचन है, किसके ऊपर भगवान के गुणों की श्वाएं पड़ती है, जो सात का बहुवचन, सात का बहुवचन संत पर, सुख ताली मार दो, सुख महापुरुषो, बहुत ही कमाल कर दिया, सात का बहुवचन संत, सात वचन, सात का बहुवचन सात, कैसे लिखोगे, सा और ता के बीच में आधा ना डालो, बस नाइदर मोर नॉर लेस, सात के सा और ता के बीच में आधा ना, ऊपर बिंदी लगानी, अनुस्वार लगाना, ना आधा ना लगेगा, संत, सात का बहुवचन संत, क्यों, चूंकि गुणों की किरने भगवान की गुणों की किरने संत पर पड़ती है, भगवान के गुणों की किरने संत प्रति वो सात का बहुवचन कराता है, आप संत की किन पे कृपा होगी, जो उनकी ओर श्रद्धा रखते हैं, जो उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, जब संत के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो वो क्या करेगा, जो भगवान के गुण उस पे आ रही है वो उस पे करेगा, जो भगवान के गुण संत पे आ रही है वो जो पर श्रद्धा रखेंगे वो उसको देगा, जिसकी झोली में होगा वही देगा ना, जिसके पास गुड़ा है गुड़ देगा, जिसके पास शक्कर है शक्कर देगा, जिसके पास खान है खान देगा, और वो गुणों के आधार है तो वो जो भी उनका श्रद्धालु बनेगा, अनुयायी बनेगा, प्रशंसक बनेगा, उनको वही देंगे, तो उनको भगवान के गुण उनके पास आए, जब भगवान के गुण आए तो गुण आए कहां से, भगवान से, तो सच्चा संत वो जो भगवान के गुण दे करके हाँ उसको भगवान की ओर मोड़ दे, गुण कहां से आ रहे थे, भगवान से, तो संत ने गुण अपने अनुयायी को दिए हाँ, और उसका मुंह उसका अंतकरण भगवान की ओर, जो हमें भगवान की ओर मोड़ दे, क्योंकि संत के पास भगवान के गुण आए हैं, वो अपने प्यारे को गुण देता है, जब उसके पास गुण प्रवेश करती है तो उसका मन अंतर्मुखी भगवान की ओर, सत का बहुवचन संत, और संत ऐसी होती है, संतों कहा गया, एक से पूछा गया संत की परिभाषा, यानी पारस पहुंचे वहां कुछ पहुंचे बैठे थे, तो प्रश्न संत का, संत की परिभाषा क्या है, कहीं वो पारस की तरह होती है, पारस कैसे लोहे को भी सोना बना देते हैं, तो महापुरुष ने कहा ना भाई ये तो संतों की तो ही है, संतों का अनादर है, महाराज हमारे पर बुद्धि काम करती ना, भी अनादर है, वो पारस
के भी दादा होते हैं, पारस के भी बाप नहीं दादा होते हैं। फिर सब जनता खड़ी होगी, महाराज जी हमारी समझ से बात आती है, आप समझाइए कैसे पारस के भी दादा होते हैं। हाँ, पारस तो केवल लोहे को सोना बनाता है, लेकिन पारस नहीं बनाता, संत तो अपने जैसा उसको बनाता है। सोना बना पारस तो नहीं बना, अगले को सोने से तो अगला लोहा सोना नहीं बन सकता जब तक पारस न छुआ जाए, तो संत तो अपने जैसा बना देते हैं। यानी संत एक ऐसा पारस है कि जिस पर कृपा करता है उसे भी पारस बना देता है। ये पारस का भी दादा, पारस तो लोहे को सोना बनाता है, और जो संत जिस पे रात की पूरी कृपा है वो अपने जैसा बनाता रहता है, सबको संत ही संत बना देता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो गुना जाते हैं, गुणों कारण से रात की भक्ति करते हैं, और भक्ति से भगवंत, भक्ति से भगवान, कौन से भगवंत जो पहले संत में थे वही अनुयायी में भी आ गए। तो पारस लोहे को सोना बनाए और संत दूसरों को अपने जैसा संत बनाए, तो पारस से भी आदमी कर गए। सुंदर, अति सुंदर। ये देवी और सजनों कब हुआ, ये कब बना? जब जीव किए हुए कर्मों के बारे में न सोचे, बस सोचे अपने रब के बारे में, जो बुद्धि में ताकत दे रही है, मन में शक्ति दे रही है, और तन के एक एक अंग में चेतना भर रहे हैं। चेतना कहूंगा जड़ है, सारे सारे अंग चेतना है, एक एक अंग में, यानी शारीरिक अवयव में, शारीरिक अंगों में चेतना भर रहे हैं। कौन पीछे पीछे इतने उपकार कर रही है, फिर भी बड़े कमाल किए, बोलती नहीं है। इतने उपकार करने वाला बोले ना, रब के स्वर कोई नहीं हो सकता। किसी ने बहुत अच्छा कहा, रब ने उसे करवाया है जिंदगी का साज भी क्या नहीं, याद तो याद कर ले, ए बड़ो ए याद कर ले भाई, ए बच्चो, जिंदगी की भी साज है, साज होता है जिस पर हम राग निकालते हैं, यानी वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और गजब, ये भी गजब, ये भी बुझारत, बूझ मेरा बुझकड़, बूझ मेरा बुझकड़ा, ये अच्छा बुझकड़ा है कि बज रहा है और बे आवाज, भगवान बे आवाज है, बजा रही है, बुद्धि को बजा रही है, मन को बजा रही है, तन को बजा रही है, बज रहा है, कीर्तन में आ रही है, और लेकर बस बे आवाज भगवान से, और कौन हो भगवान के बिना, वरना जो इतने बड़े उपकार करे कुछ तो बोलेगा, कुछ तो कहेगा, क्यों भाई कुछ और कृपा करूं, क्यों भाई कुछ और चाहिए, इतना सुनना चाहेगा, लेकिन आप वो नहीं सुनना चाहते ना, ना भी ना, ना बस बस बस। जिंदगी का सांस भी क्या सांस है, बजरा है और बे आवाज है, ले लटे जिंदगी की सांस, जिस अदा से, जिस शैली से, जिस तरीके से, जिस तर्ज से हम गा रहे हैं या कर्म कर रहे हैं, थकान करे मेरी और आपकी, वो ले अर्थात वो भाव नट उठे, या मतलब फीलिंग का, दैट वेरी गुड फीलिंग, वो दैट हमारी साउंड फीलिंग है, वो नट उठे पाए, दैट मस्ट, वी मस्ट मेंटेन इट, कैसे भी लग जीवन भी देना पड़े तो भी हम मेंटेन करेंगे। लय न टूटे, लय कहते स्वर को, लय न टूटे जिंदगी के सांस की, क्यों? जिंदगी आवाज ही आवाज, इसकी में तो कुछ भी ना रहा, फिर जीव तो निर्जीव हो गया, अगर उसमें ध्वनि ना हो तो वो तो निर्जीव हो गया, और जिसमें ध्वनि है वो सजीव, सजीव निर्जीव, जड़ या चेतन, स्थावर या जंगम, लग टूटे जिंदगी के साज की, जिसे जिंदगी आवाज की, भगवान करे जो पाठ मुझे और आपको प्रभु इस 18वें अध्याय के 23वें श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं, ये हमारे जीवन का विशेष अंग बन के रह जाए। लग टूटे जिंदगी के साज की, जैसे भगवान कह रहे चल अपने कर्म कर और पूरी शक्ति से कर दे, हाँ ये तर्ज, हाँ, और उसके बाद उसको सोच रहे हैं, उसे ध्यान भी दे रहा, कर दिया मैंने ईमानदारी से कर दिया, अब मेरे भगवान जाने, मेरे देव जाने, अब उनका काम जाने, बस हमने तो कर दिया, अब तो हमने प्रतीक्षा करनी है अपने दूसरे कर्तव्य कर्म की। नाउ व्हाट नेक्स्ट, द फर्स्ट इज एग्जीक्यूटेड, नाउ व्हाट नेक्स्ट, ये हमारे भाव होना चाहिए, अब भगवान मुझे किस कार्य के लिए और प्रेरणा देती है, बस मैंने उधर अपनी अटेंशन रखी है, इधर नहीं, आई हैव टू डिवाइड माई अटेंशन टू दैट वेरी ऑब्लिगेटरी एक्शन, जो कि मुझे भगवान ने इंस्पायर करना है, जो मेरे प्रभु ने मुझे शुभ प्रेरणा दे दी है, आई हैव टू अटेंड दैट वन, ये तो मैंने कर लिया, नाउ व्हाट नेक्स्ट, मतलब जे ये बहुत सुंदर अति सुंदर है। इसी को एक बार कृष्ण ने यूं भी कहा, हाँ ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, मां पुरुषो खुश रहो, हम हमारे जैसे मुर्दों के अंदर रूप होंगे, ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, आहा टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, यह माला गुथ रहे ना प्रेम की माला,
आती है, भगवान की वाणी सुनती है, भगवान का नाम लेती है, भगवान का नाम मंत्र जपती है और उस वाणी को अपने मन में बसाती है, कुछ प्रेम विष्णु गिरती है, कुछ भगवान निकट आती है, कुछ वो हमारे निकट आती है, कुछ हम उनके निकट जाते हैं। वेरी गुड। तो कहते हैं अरे भाई ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, टूट जाएगा माला कहीं प्रेम की कीमती मूर्ति है ये बिखर जाएंगे। ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की हाँ कीमती मूर्ति है ये बिखर जाए, ये बिखर ना जाए अर्थात लैंप की टूट न जाए, ये कीमती होती है जो भगवान जी मुझे और आपको दे रही है, ये बड़े कीमती है हाँ बिखर न जाए, इनकी इनकी बिखरी ना हो जाए, कहीं इधर उधर ना बिखर जाए। आहा बहुत सुंदर भगवान का फरमान, बहुत ही अच्छा अपने हजूर का फरमान जो अपनी श्रीमुख से बता रहे गए, बहुत ही अच्छा जो मेरे मालिक अपनी श्रीमुख से कह रही है करो हाँ बस करके छुट्टी हो गई। लै भी मेरे भगवान संभाल अपना मन और संभाल अपना जो तन, ये तेरे था तेरे हवाले, संभाल अपना मन संभाल अपना तन अपना तेरा नाम जप ले, ये घोड़ा मांगवा है हाय, ये शरीर मांगवा है, अंतर का सूक्ष्म शरीर भी मांगवा है, कर्म किया और जिसका उसके हवाले कर दिए, जिसकी वस्त्र ये ग्रंथ साहब में आता है भाग अच्छी हूं तो जीव अपनाए, जिसकी वस्त्र तिस आगे रख, कितना सुंदर बोल, मेरे पास बहुत अच्छी बोल है, नजर न लगाना माँ पुरुषों का खजाना मेरे पास बहुत अनमोल है, कितना अच्छा अनुभवी माँ पुरुष कह रहे हैं, जिसकी वस्त्र तिस आगे रखे गुर की आज्ञा माने माथे क्या होगा, जिसकी चौदन करे निहाल नानक साहिब सदा, भगवान कई गुना निहाल कर देती है, क्यों, क्योंकि वो तो दया के समुद्र श्याम सुंदर है ना, वो तो दया के सागर है, जीव अगर उनका कहना मान के जो करे उनके चरणों में रख दे, जिसकी चौदन करे निहाल नानक साहिब सदा, यही पाठ में शुरू से बताया जा रहा है, श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु तेरी वस्तु तेरी अर्पण, तो परमात्मा मेरे लिए क्या शक्ति थी, आपने शक्ति दी बौद्धिक मानसिक शरीर है, मैंने किया आपके चरण पे रख दिया, आप करो आपका काम करें, अपन क्या अपन तो कृष्ण कृष्ण जपेंगे, आहा कृष्ण कृष्ण जपना ते सारा जग अपना, अपन क्या अपन अपने मन को काला करके बिजाओ भाई, ओहो क्यों हमें कौन कहेगा सिखाना, अपन तो अपने मन को करिए काला, आहा आहा जो अपने मन को करे काला हाँ उसको कोई ना कहे स्याणा, वो एक अख्तू कौन, आप एक अख्तू काने को बड़ी बड़े कौन में स्याणा कहेगा, वाह वो तो एक अख्तू काना काना घड़े करना झाड़ झाड़ में जैसे काना, ओ बेटा आप काना घड़े तो करना झाड़ में बिच करिए, काना घड़े करना झाड़ में बिच काना, ओ बेटा ऐसे मुझे लोगों से उठवाए, हम तो अपना कर्म करके सुजाग के बन के दोनों अच्छे वाले बन के सतर्क और सजग बन के हाँ अपना कर्म करके परमात्मा के चरणों में रख देंगे, बिल्कुल शर बिल्कुल अपने आप में अंदर ऐसे जीव के संस्कार मिट जाएंगे, जो फिर मैं बार बार भूल जा रहा हूँ तो आप पे बैठ जाए, कर्म किया कर्म के बारे में नहीं सोचना, अपना कर्तव्य कर्म रसोई का कर दिया, अपने घर का कर दिया, या भगवान जी आपको दफ्तर में काम किसी कार्यालय में काम ले गए, या कहीं आप पाठशाला में जो है अध्यापिका रूप में पढ़ा रही है, बड़ा अच्छा है, मुझे भगवान ने प्रचारक रूप में रखा हुआ है वाणी का प्रचार प्रसार के लिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अति सुंदर बहुत कुछ किया, लो मेरे परमात्मा मेरे इष्ट देव आए मेरे अंतर जानी आप स्वीकार करें, चल श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु तदीय वस्तु गोविंद समर्पित, आपने शक्ति दी थी आपके श्री चरणों में समर्पित, वही पुत्र पुत्र वधु की तरह जो एक मास का वेतन है अपनी अम्मा की झोली में समर्पित, हमें भगवान ने शक्ति दी अपने भगवान जी की इष्ट देव जी की झोली में समर्पित, बस अब सोचना ही नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, उस दिन कहा था फिर आज बढ़ा देता हूं, स्लेट की पेंसिल से स्लेट के ऊपर सवाल निकाले जा रहे हैं, निकाला देखा गया हिसाब के वो मिल गया, जवाब हमारा मिलता है उधर भी हिसाब जो गणित में भी इधर भी हमें देखा मिल गया, चलो अपन स्पंज जो गीली गीला स्पंज जो होता है मारा और चलो मिटा दिया, आप दूसरा सवाल निकालेंगे, हाँ आप देखा जो हमने इतने जो अंक बनाए थे कोई भी अंक नहीं स्लेट पर बना हुआ, स्लेट बिल्कुल साफ है, जो हमने स्पंज मारा क्लीन स्लेट हो गई बिल्कुल साफ, कोई भी अंक जो हमने स्लेटी से लिखे थे पेंसिल से उसमें लिखे को नहीं हुआ सारे, लेकिन अब जरा बनाओ एक लकीर लगाओ स्लेटी पेंसिल से स्लेट के ऊपर लगाई, इसी लकीर पर दोबारा लगाओ इसी जगह तीसरी बार चौथी बार पांचवी बार छठी बार सातवीं बार आठवीं बार, हाँ अब लो सपंच का बाप भी लेके आओ, हाँ रगड़ो लेकिन लकीर आपको उसके अंदर नजर आए, ये नहीं मिल सकती, इस दृष्टांत ने मेरा बड़ा कल्याण किया जी मेरे से मेरे दृष्टांत,
महापुरुषों के सिद्धांत ने मेरा बड़ा भला किया, आप ही ले लो। कई मेरे प्रश्नों का उत्तर सिर्फ इस साधारण दृष्टांत से सदा के लिए चल गया। इस स्लेट की पेंसिल से स्लेट के ऊपर बार बार एक स्थान पे हाँ अंकित किया जाए वो गहरी उतर जाती है। अब वो नहीं मिटेगी चाहे कितना पानी को बाल्टी भर के ले जाए और सारी स्लेट उस बाल्टी पानी से भरी बाल्टी में रख दे तो भी मिटेगी, क्यों चूंकि अंतर चला गया। इस तरह वो नारायण पर मूर्ख किन्हीं बातों पर किन्हीं रूपों पर किन्हीं स्थानों पर जब बार बार चिंतन करते हैं तो अंतःकरण रूपी स्लेट के गहरे उतर जाते हैं। ये राज की बातें शुरू में पता लगी थी, इसलिए तो मन रोता है किसानों की से दस आगे। ये राज की बात बताई नहीं किसी ने, हमें समझाया ही नहीं गया। जैसे साइकिल मर गया बेचारा गाता हुआ, साइकिल चाह बर्बाद करेगी हमें मालूम न था, ऐसी हम पर भी कटेगी ये हमें मालूम न था। ये गाता गाता खत्म किया, बड़ा दर्द भरा उसका गीत है, कभी सुन लेना। साइकिल का चाह बर्बाद करेगी ये हमें मालूम न था, रोती रोते ही कटेगी ये हमें मालूम न था। अखीर में कहता है हम पर भी ऐसी गुजरेगी ये हमें मालूम न था। ये मालूम न था का एक शब्द है अविद्या या जहालत। हमें अज्ञानता भी थी अविद्या भी थी, दीदियों सजनों मालूम ही नहीं था। आप हमारे बता रहे मैं सोचना नहीं किसी बात पर कर दिया। माँ बीमार है, माँ के बारे में बार बार सोचो, डॉक्टर को ले आओ दवाई करो, दो दवाई जिस तरह डॉक्टर जी ने बताई है दो दो तीन घंटे बाद आप साल जाओ दो, ये है ये मरोगे आप। अगर आप बच्चेगी क्यों मरेगी कई बीमारी कोई ऐसी असाध्य यानी होपलेस में ये अब माँ आपके अंदर दस्ती आएगी दस्ती आएगी। मैं माँ का शरण पुत्र हूँ, आज्ञाकारी हूँ, पानी की तरह मैं बहा दूंगा, अपने आप की कुर्बानी कर दूंगा, माँ के ऊपर सारी रात खड़ा रहूंगा, पंखा देता रहूंगा, माँ का पसीना उतारता रहूंगा, माँ के सीचन दबाता रहूंगा, बार बार माँ के अंदर पानी मुंह में डालता रहूंगा, दवाई का जो समय आएगा माँ को बड़े प्यार ये तब तो भगवान बड़े खुश होंगे। अगर ये ना करके क्या बात माँ क्या क्या एक दृश्य ये है रो रहा है माँ को भी रो रहा है आनो और माँ को तो छाती से लगे तेरे पुत्र है तेरे की बनेगा रो रहे पुत्र एक दृश्य ये और एक दृश्य डट के खड़ा है जैसे कि पहरेदार खड़ा होता है चौकस दवाई दे दी है माँ की से एक दृश्य ये जो ये दृश्य चौकस ये मुक्त हो जाएगा और वो ये बार बार इसी गर्भ में गिरेगा। ये मजबूर कर रहा है माँ को फिर नारी बनने के लिए और मां भी जब छाती लगा के चुन्नी जा रही है ये मजबूर कर रही है भगवान के नियम को फिर औरत बन के आए और फिर इसको गर्भ में ले लगाई थी लौ जिससे तो बड़ा अच्छा हो अगर ये बात मैं आपको बिठा जाऊं कितनी मेरी और आपके भाग्य अच्छे कर ये बात हम बिठा जाए डट के कर्तव्य करें डट के। उस सियाने बच्चे डट के खड़ा अमर हो गई अम्मा क्यों रोती हो मैं तेरे साथ हूँ मेरा अंग अंग तेरा मेरा हर कतरा तेरा मैं तेरे अम्मा नहीं बच जाएगी मैं भगवान से तेरे हाथ में प्रार्थना एक दृश्य है मैं प्रार्थना कर रहा हूँ माँ भगवान मेरी जरूर सुनेगा मैं सच्ची अंता करने वाला हूँ प्रभु मेरी जरूर सुनेगा माँ तू रोने मैं क्या तेरे साथ हूँ तू क्यों रोता है। जैसे सुदामा घबरा गया तूफान के अंदर सुदामा कृष्ण क्यों डरते हो मैं भी तुम्हारे साथ कितनी मीठी ध्वनि थी मैं भी तेरे साथ हूँ उसनामा भागा उसने लिपट गया मैंने तेरे था नहीं अब कोई डर नहीं पुत्र को यूं कहना चाहिए माँ मैंने तेरा पुत्र हूँ कुर्बान कर दूंगा अपने आप को मेरी दुआएं जरूर भगवान स्वीकार करेंगे और तेरा सचमुच पुत्र रब दूर ने बिल्कुल माँ मैं अंदर प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मेरी माँ जी को स्वस्थ स्वास्थ्य प्रदान करो मेरी माँ को आरोग्यता आज आए मैं बार बार कह रहा हूँ माँ मैं बार बार माँ का मन पसंद है मेरा पुत्र कितना अच्छा है और पुत्र भी अपनी जगह धर्म पूरा कर रहा है ये मुक्त हो रहा है और दूसरा जो दृश्य दवाई देनी खोली गए दवाई देनी थी ढाई बजे रोते रोते साढ़े तीन बजे चार घंटा उनको यही बीत गया और ये अच्छा क्यों अच्छा एक दनाई का सबूत है एक मूर्खता का सबूत और क्या करें हमने तो दना बनना मूर्ख नहीं हमने बुद्धिमान बुद्धि से काम लेना है हमने बुद्धिमान बनना है हम बुद्धिमत्ता से काम लेंगे ऐसे नहीं ना हमारे पास विचार है और विचार जिसने पल्ले क्यों मन उसदा हल्ले विचार जिसने पल्ले ना मन उसदा हल्ले
फिर मन उसका पक्का हो गया। फिर भगवान ने कहा वही काए मुल्लक ले कहलाए वो, वही काए मुल्लक ले कहलाए वो, जो सुख से सुखी हो न दुख से दुखी, न खौफ उसको आए न गुस्सा कभी, न जज्बों के जंजाल में आए वो, मुनि काए मुल्लक ले कहलाए वो। हजूर वाले ये कह रहे हैं न जज्बों के जंजाल, जंजाल में नहीं आ रहा, माँ भी मारा है, पति मारा है, पत्नी मारा है, काका भी मारा है, वो न जज्बों के जंजाल में आए वो, मुनि काए मुल्लक ले कहलाए वो, न जज्बों के जंजाल में आए वो, मुनि काए मुल्लक ले कहलाए वो। हजूर का फरमान मेरा कभी भी ना भुला पाएंगे, न जज्बों के जज्ब आए, जंजाल आए तो थे, ये चलाक बने कि फंसेगा, क्योंकि आपके पहले विचार थे, न जज्बों की जंजाल में आए वो। फिर भगवान क्या कह रहे, मुनि कायम लकल कहला, होने के समय मुनि है और कायम लकल स्थित प्रज्ञा है, वो प्रज्ञावान है, उसकी बुद्धि टिक गई है, उसकी बुद्धि जम गई है भगवान के चरणों में, कुछ भी घटना घट जाए, कुछ भी असर नहीं होता, तो ऐसों के भगवान इनाम क्या देती है, क्या इनाम दिया, जो सुख से सुखी हो, क्षमा करना मेरे महाराज जी क्या कहती है, जब ऐसी अवस्था बनती है, हा आह आह ये जब ये अवस्था बनी, यू कह क्या क्या कैफियत यानी जानिए जी, सहेगा खुशी से कफानी है जी, वो इंसान है सर जिस पे इनका नहीं, खुशी से जो खुश हो नरम से रजी। सुनो है अमृत की धारे, अमृत में लज्जा रहा हुआ जब मैं उच्चारण कर रहा हूं भगवान के श्लोक, आहा वो इंसान है सर जिस पे इनका नहीं, खुशी से जो खुश हो नगम से रजी, सुनर जन कायम दिल उसका मदाम, उसी की है शाया हयाते, शाया हयाते वाला मुक्ति मिल गई, सदा रहने वाली जिंदगी, शाया हयाते दबाव, दबाव मैंने हमेशा रहने वाली हयात मेरी जिंदगी, उसको हमेशा रहने वाली जिंदगी मिल गई, किसको जो जज्बों के जंजाल में नहीं आता, दंदों में नहीं आता, तकलीफ आती है, चिंता आती है, वो परवाह ही नहीं करता, कौन परवाह करेगा जो कर्तव्य पे टका हुआ है और रब के प्यार अपने सीने में रखे हुए है, यकीन से जो रखते हैं सीनों को गर्म, यकीन से कौन होगी यकीन से रखती है सीनों, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्ति में सबसे प्यारी मेरी। जो करती है काम की अमृत सधारा भगवान की थी, ये जो मैंने राह बनाई है इस राह को कायम रखती है, राह को कायम कौन रखेगा, जो इस पे चलेगा, जो इस पे भागेगा दौड़ेगा वही तो राह को कायम रखेगा ना, हाँ तो यकीन से जो रखती है जिनको भगवान के प्रति अटूट यकीन और छाती उनकी गर्म है यकीन के कारण से, अंतःकरण में प्रेम भरा पड़ा भगवान के प्रति, यकीन से जो रखती है सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्ति है सबसे प्यारी मेरे, ऐसे जीव को ना मुक्त कर, ऐसे जीव को लिए क्या, ऐसे जीव तो बड़े शांत, इनको बुले ने क्या कहा, बुले ने कहा वाह अल्लाह अंदर अल्लाह बाहर, अल्लाह नीचे अल्लाह ऊपर, अल्लाह अंदर अल्लाह बाहर, अल्लाह अंदर अल्लाह बाहर, हाँ फिर तो बहुत बाहर, हाँ फिर तो बहुत, इनकी ये बन गया बस 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 बस, बेड़ा पार बेड़ा पार बेड़ा पार, फिर तो कल्याण कर गए, आह 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 इनके अल्लाह अंदर अल्लाह बाहर, उनके लिए क्या है, फिर तो अपना कल्याण कर गए, उनको चिंतन को निकल मन जाता नहीं, इनको हमारे हजूर हमारे लोकीनाथ अवतारी दाता कृपालु फरमाते क्या है कि जो इस तरह रहता है मुक्ति के दर पे नौकरानी बन के बैठी रहती है कि जब चाहे हमारे से अपनी मुराद पूरी कर, शाबाश शाबाश, जैसे कि हमारे जवाहरलाल के पिता श्री मोतीलाल जी ने जब उनका मैच था, उनकी चार दरवाजे थे, ऐसी जगह उन्होंने लिया था कि सड़क के चारों तरफ थी, इधर मेन गेट खोलो तो इधर भी सड़क है हमारे, इधर खोलो तो इधर भी सड़क है, उधर परे खोलो उधर भी सड़क है, और उस तरफ खोलो उधर भी सड़क है, ऐसी मोतीलाल जी ने बड़े छोटी के एडवोकेट थे उन दिनों के, एडवोकेट तो रुपए बहुत, तो फिर उसने और एक एक पुत्र, बाप है मोतीलाल ते पुत्र का हो क्या, देखो फिर मोती घर में जवाही होने पुत्र, कोई मोती घर के अंदर को पत्थर तो आने नहीं, बाप का नाम क्या था, पुत्र का नाम क्या था, मोती घर में रबी कमला है, तो मेरा रब कमला समुन्द्र में करता है वर्षा, खुशकी नहीं करता, मोती घर में जवाब देता है, वाह वाह रब्बा वाह, तेरी कौन आखे इंज नहीं था, बाप मोतीलाल और पुत्र जवाहरलाल, तो बड़ा प्यार बहुत ही मोतीलाल तो बाहर भी पढ़ के आए थे विदेशों में भी, तो लक्ष्मी भगवती बड़ी प्रसन्न थी इन पर, बड़ी प्रसन्न, तो आप क्या पुत्र पर कैसे कोई होगा, हुआ दिखा मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं, पुत्र पर इतना प्यार और पुत्र भी होने हार, उसको जो कारत कराई, आप ऐसे चारों दरवाजों के ऊपर उस समय की चार कारें खड़ी कर दी, विदेश से आई थी पानी के जहाज पर,
यानी मनवाई गई। पानी की जहाज को आप इंग्लिश में नहीं बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं शब्द है ऊपर बोलते जो वायु में जाए वो वायु जान, जो जल में जाए वो जल जान। कितना सारा शब्द है हमारे यहाँ जल जान। तो जल जान द्वारा मंगवाई गई। चारों गेटों पर चार कारें खड़ी गई। मेरा पुत्र जिस दरवाजे से गुजरे आगे ड्राइवर और कार खड़ी। बाबा ऐसे ऐसे दृष्टांत सुनाऊंगा आपका सारे दिन का खाया पिया हो जाएगा। मैं तो आपके लिए क्या हूँ चूरन हूँ चूरन। राज्य सरकार मेरा बेटा इतना कोई लाभ बढ़ाएगा कि मेरा बेटा जिस दरवाजे से गुजरे आगे ड्राइवर भी आइए सरकार हाजिर कहां जाएंगे आप ड्राइवर भी पूछता आप कहां जाएंगे जब आप किसी दरवाजे से गुजरे बेटा आगे कार खड़ी है। शाबाश इसी तरह जो रब ने प्यारी इस तरह कर्म कर रहे हैं परमात्मा के नाम पर कोई कर्म में चिंता नहीं मुक्ति दरवाजों पर खड़े हैं जनाब आप क्या भगवान के पास चलना चाहते हैं खड़े हाय जोर की ताली जोर की ताली जोर की ताली लेकिन परम पिता के फरमान को अपनाकर मुक्ति को अपने दर के द्वार खड़ा हो मुक्ति को आपके द्वार पर खड़ी सकती है अगर इस तरीके से कर्म किया जाए तो अगर इस ढंग से कर्म किया मेरी बेटी बूझ गर जिसमे गाली मरवा लो भगवान का फरमान ताड़ियों की पूंछ में सुने जाने योग्य फरमान देखो ना क्या कमाल कर रहे क्या खसर के भगवान बच्चों ऐरा गर्म भी वचन देगा हजूरी अनवर त्रिलोकीनाथ नारायण मजाते खुद वचनबद्ध हो रहे वचनबद्ध अपने वचनों में बंधे जा रहे हैं आज के अपनी मातृभाषा बोलते हैं वचनबद्ध हो रही है अपने वचन दिन में मुक्ति के दर पर है। कब जब इस तरह कर्म करके कर्म के बारे में नहीं सोचता तो कर्म किया बस दे दिया आहा कर्म करके बाद छुट्टी उसका कुछ नहीं बस छुट्टी आहा अल्लाह और जैसे बुला कर था अल्लाह अल्लाह के खैर सल्लाह अल्लाह अल्लाह के खैर सल्लाह यानी जो अल्लाह ना जपेगा उसके अंदर बार खैर खरीयत की कुछ नहीं रहेगी अल्लाह अल्लाह के खैर सल्लाह आपने करवाया कर दिया बस चल वाह 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 उन्हें परवाह क्या है तुकाराम बड़े गरीब हो गए संत तुकाराम जी इधर मराठों में बड़े चोटी के महात्मा माने जाते हैं गुसाई जी की हमारे इधर बड़ी कदर है उधर तुकाराम जी की बड़ी कदर है बड़े अपने हर एक इलाके में अपने समय चोटी के भगवान ने भक्त भेजे जीवों के तारने के लिए तो ये उस साइड के तुकाराम जी है महाराष्ट्र को समझिएगा महाराष्ट्र के अनेक संतों में तो ये थी वहां महाराष्ट्र के और चोटी के संत थे किसी एक का नाम लो भूल गए उन्हें गीता की बड़ी सेवा की है मैं और आप कैसे बोल सकते हैं ज्ञानेश्वर जी महाराज ज्ञानेश्वर का नाम पहले आता है दूसरा नाम आता है तो कर बड़ी सेवा की अपनी ज्ञानेश्वरी गीता बड़ी प्रसिद्ध है बार बार पढ़ने योग्य है तो उसके बाद आगे तुकाराम को श्रीमती ने कहा मर गए भूखे तुम कहते हमारा खेत है तो जाओ जो खेत में चीजें लेके आओ तो बेचारे गए जाके देखा बाकी जो कुछ चीजें किसान भी हमारा खेत हानि जरूर है तो कोई चीज है आज तो हमारे घर में कुछ भी नहीं हाँ ये वही पड़े हुए हैं तो किसान गया मालिक पहली बार आया 8-10 गन्ने तो बस काफी है अपने रखे अब ये बच्चों की नजरें तो बस कमाल कर उनको पता है सारा कौन चला पुल्ला कौन अब ये लाल पुल्ले नजर आते थे बस ऐसे घूम घूम मतलब गन्ने भी रखे और रब का नाम भी ले रहे तो एक बच्चा आया हाँ गन्ना दे दे ले जाओ तो किसी ने पीछे से खींच लिया ये तो गुग्गू है किसी ने आगे से ले लिया किसी ने पीछे से ले लिया किसी ने लीगली लिया किसी ने इलीगली लिया किसी ने प्यार से ले लिया किसी ने टकराव से ले लिया नहीं गए नहीं गए नहीं गए नहीं गए जब घर पहुंचे तो रह गया हेत हेत न रह गया अब घरवाली के पास पहुंचे क्या तो बाकी रस्ते बच्चे ने खोली मैं क्या करता अब उसको आया क्रोध मारा पति की पीठ के पीछे गन्ना उन्हें उन्हें टोटे दो श्रीमती थैंक यू धन्यवाद टोटा अद्धा तेरा अद्धा मेरा दो टूटे करने थे ना मुझे करने पड़े ना तुझे करने पड़े फूट फूट के रो पड़े मैं गई बीती जन्म जन्मों में आऊंगी और आपके तो रब लेने आए पत्नी होकर मैं आपकी अनादर कर रही हूँ गर्मी के दो टुकड़े कर रही हूँ और आप कहते श्रीमती बड़ी मेहरबानी अद्धा तेरा अद्धा ऐसी चीज सदा ही मुक्त है आहा रब रब जपना ते सारा जग अपना मान करो अपमान करो अपन की लेना देना ये देखो इधर ये क्या है तुकाराम जी और श्रीमती कैसी है श्रीमती जल का अंगारा और तुकाराम हमारा तुकाराम हमारा बर्फ का गोला बर्फ का गोला खासकर जो बच्चों के लिए बर्फ के वो बर्फ के कुछ कुतरा करके देने आती है गोले ले लो गोले गोले ले लो उन्हें करो रब्दा वास्ता गोले ना बकत आ रहे गोले ना बोल
वो क्यों बर्तन को गोला बनाया चल, वो इतने ठंडे हैं, वो हमारे तुकाराम जी क्या है शीतल प्रसाद और श्रीमती क्या है ज्वाला प्रसाद, वो ज्वाला प्रसाद ही है वो शीतल प्रसाद। ऐसी जी मुक्त हो जाती है, जैसे ठीक है दादा तू जान पर है आदर भी तेरे था अनादर भी तेरा, आप के लिए दो गन्ने हो गए टुकड़े हो गए गन्ने दे एक दे अद्धा तू ले जाता मैं चूस लेता हूँ चल एक बकरी भूख मिट जाएगी फिर देखी जाएगी। ये जिनको अपने कर्म से मतलब है उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, कर्म किया खेत में गए गन्ने तोड़े घर ले आए और रास्ते बच्चे छीनी जा तो मैं कह रहा रब के रूप में छीनी जा जो मेरे मुकद्दर में होगा मुझे मिल जाएगा, कोई पीछे छेक गया कोई आगे ले गया इसे एक बच गया वो ठीक है आहा और घर में आके श्रीमती ने पेट दिया तो भी ठीक है चल। ऐसी चीज फल पे नहीं चला तेरे पास, अगर कोई और जगह होता पति ने गुट पकड़ता मार जख्मी करता और यही गन्ना जो है बनाता डंडा और मार मार के अधमरा कर देता कोई और होता तो आजकल का कोई होता या कोई जानदार नारा होता था मार मार और वो ये अगर तो करा भी मुक्ति जा मुक्त जाने वाले हैं और चल श्रीमती तेरा धन्यवाद अर्धवा तो करना ही था अर्धा तेरा जो तेरी तरफ गिर गया वो तेरा जो मेरे हाथ में रह के हो गया करे। ऐसी शांत जीव तेरे भक्तों की भक्ति कर्म में सदा वो तेरे चाहने वालों को चाह तिना दीजिए मिले नानक दी अरदास ऐसे को चरण धूली मिले मैं और आप क्या चंदन की तरह अपने मस्तक में लगा के गद गद कान मुक्त मैं दृश्य देने की कोशिश कर रहा हूं झांकिया दे रहा हूं आपके सामने कान मुक्त जिनको कोई परवाह नहीं इधर की उधर की यहाँ की वहां की उनका मन अपने यार में लगा हुआ है अपने मालिक में लगा हुआ है यूं हुआ तो क्या हुआ और वो हुआ परवाह थोड़ी यूं और वो की जीता रखे तो हमको ये मुक्तों के उद्गार होते हैं जिन्होंने मुक्त जाना उनके ये उद्गार है जीता रखे तू हमको या दर से सार उतारे अब तो फकीर आशक कहता है यूं पुकारे राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है यो भी वाह वाह है और वो भी वाह 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 है हाय जीता रखे तू हमको ये दर से सार उतारे अब तो फकीर आशक कहता है यूं पुकारे राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा या यो भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह भगवान कहते ये मेरे बच्चे कर्म करते करते ही मुक्त न जप किया न ध्यान लगाया न तपस्या की न कोई और विशेष धर्म कार्य किए कर्म में ही अपने रब की झपकी दे गए। लेकिन एक बात मैं कहना भूलूंगा नहीं अंत में भगवान कहते हैं इस भावना से कर्म कर रहे हैं और इसमें पक्के है भगवान एक जगह कई कर्म योग चौथे जाए कर दा अगर योग में पुख्तगी तो खुद ज्ञान भी उसको अरे भाई उसको गुरु ज्ञान भी देगा ब्रह्मा नहीं देगा वो कहते अगर मेरे लिए कर्म करके उसमें पक्के है खुदा के बारे में कहा भी गया है खुदा जो मेरे कहने से ब्रह्मा कहने से कभी ना आए आपके प्रेम को देख के खुदा खुदा खुद आए खुद आए खुदा कहलाए खुद आ खुद आ खुद मैंने अपनी ओर से आए खुद अब उससे जानते खुद आ हाँ खुद आई माँ प्यो ना नहीं आई कभी आप कहते हैं सिर्फ खुद आई खुद आ हाँ कहलाए खुदा जो वॉलंटरी नहीं आए खुद आपको हम अपनी भाषा बोलेंगे स्वयं इच्छा से आना स्वयं परिच्छा से नहीं दो इच्छा होती है स्वयं इच्छा और परिच्छा जो स्वयं इच्छा से आए वो खुदा कर खुद आ बनता है खुदा है और जो खुदा जो जो ऐसे खुदा की चिमरण करती है उनपे मेरे रब है फिदा जो मेरे गुरु ने बताया जो ऐसे खुद आने वाले पे के लिए भजन करती है उनपे रब है फिदा और जो भगवान का भजन नहीं करते उनसे रब है जुदा फिर वो ऊपर का नुक्ता नीचे लग जाता खुदा जुदा में सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है जाने वालों अगर नीचे नुक्ता लग गया तो बन गया जुदा अगर यही नुक्ता ऊपर चढ़ा दिया तो बन गया खुदा और जो देखने लगे रब की ओर उनपे रब हो गया फिदा है और जो रब से भी मुख हो गया उनसे रब हो गया जुदा हाँ उनसे रब जुदा हो गया जिनसे रब जुदा हाँ स्वामी जी मेरे कहते थे जिनसे रब जुदा उनपे कहर बरपा उनपे बिजलियां कड़कती है आधी की व्याधि की उपज जो रब से जुदा हाँ वो कभी भी सुख नहीं पाते जो रब से जुदा उनके नहीं हो शफा वापस कर शफा मैंने उनको शफा नहीं उनको सेहत उनको कुछ नहीं है जो रब से जुदा वो कभी नहीं शफा कहते डॉक्टर जी को ऐसी दवाई दो मैं शफा हो जाऊं
शफा मेरे रोग चला जाए, और जो राम सिंह जुदा वो उनपे वो कभी नहीं शफा उनके आधी व्याधि रहती है। हाय हयात उसकी दुनिया में बेकार है। सोचो ओ बड़भागी जीवो, सोचो ओ मेरी अच्छी किस्मत वाली माताओं बेटियों, सोच लो रब क्या कह रहा है। रब कह रहा है इस तरीके से कर्म कर तो मैं तेरे पे फिदा, तू मेरे पे फिदा, तू ना मुझसे जुदा ना मैं तेरे से जुदा। हाय कभी मुझसे वो मर सकता नहीं, कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। और भी धन्यवाद।